ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी आंखें खोल करके बैठेंगे, कोई भी नींद का वायुमंडल नहीं बनाएंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। धीरे धीरे अपने आप को मूल वतन में परम धाम की स्थिति में लेके चलेंगे, साइलेंस में। मैं आत्मा मूल वतन में सर्वशक्तिवान के सानिध्य में हूं। अनादि स्वरूप में बिंदु आत्मा हूं। शांति धाम में हूं। चमकती हुई ज्योति हूं। दैवी संस्कार और संस्कृति भरी है। मूल में पवित्र आत्मा हूं, पवन हूं, पवित्रता के सागर के साथ हूं। इस अनादि स्वरूप में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में हूं। अब अनुसार मैं इस मूल वतन से धीरे धीरे अपना आदि स्वरूप का पाठ बजाने के लिए सृष्टि का आदि स्वरूप का सुख प्राप्त करने नीचे धरती पर उतर रही हूं। वहां मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। सृष्टि के आदि स्वरूप का सुख मुझे प्राप्त है।
विचार और प्रभु की संपन्नता, साधना और सुविधा से मैं संपन्न आत्मा हूं। साथ पाठ बजाने का मौका मिल, इस आदि स्वरूप में सतयुग और त्रेता में मुझे जन्म लेने की मौका मिला है। मैं एक जन्म का अनुभव करते दूसरा जन्म लेती हूं। वहां पुष्पक विमान, सोने के महल, सत्व प्रधान सृष्टि, इस आदि स्वरूप में सचमुच कितना मुझे सुख मिला। कंचन काया शरीर में मैं आत्मा हूं। धीरे इस आदि स्वरूप का चक्र घूमता जा रहा है। सतयुग और त्रेता के मैं जन्म लेते लेते अब धीरे धीरे मैं पूज्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए जा रही हूं। द्वापर और कलयुग में भले मेरी मूर्ति छोटी है, लेकिन भक्तों ने मेरे बल्ले भाव में आकर के कितना मंदिर बनाया। इस पूज्य स्वरूप में मैं डबल बजा रही हूं। भगत लोग लंबी लाइन से अनेक कामनाएं लेकर के मेरा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अनेक समस्या लेकर के आ रहे हैं। मैं सभी की समस्या का समाधान करने वाली आत्मा हूं। सभी पर दान दे रही हूं। अनेक मेरे सामने रोते हुए आते हैं, खुश होकर के जा रहे हैं। ये पूज्य स्वरूप सचमुच कितना प्यारा है। अब धीरे धीरे ये सृष्टि पर कलयुग का अंतिम समय आ गया। इस कलयुग
निराकार परमात्मा का अवतरण हुआ। इतनी बड़ी बेहद की परमात्मा ने और मुझे ब्राह्मण बनाया, वाह मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। ये मेरा ब्राह्मण स्वरूप कितना प्यारा है। भले सृष्टि पर अंधकार है लेकिन उस भोलेनाथ परमात्मा ने ज्ञान के डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद खोले हैं। मुझे त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान बताया। स्वयं परमात्मा टीचर बनकर के मुझे पढ़ा रहे हैं। अब मुझे कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल हल्का हूं, मैं ब्राह्मण हूं। स्वयं परमात्मा की रचना, मैं इस संसार के वृक्ष की जड़े हूं। मैं जड़ों के नीचे बैठा हूं। इस कल्प वृक्ष की जड़े हूं। अब धीरे धीरे मुझ ब्राह्मण को ही अब फरिश्ता बनना है। सचमुच मैं एक फरिश्ता हूं। अब वापिस मुझे घर जाना है। जिस घर से मैं 5,000 साल पहले आया था, अब मुझे वो घर पुकार रहे हैं। शिव बाबा मुझे लेने के लिए, अब ये दुनिया मेरे रहने के लायक नहीं। इस आंखों के द्वारा जो मैं देख रही हूं, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं उड़ता हुआ फरिश्ता हूं। ये देह भी मेरा मिट्टी का बना हुआ है। अब इस देह से भी मेरा कोई लगाव नहीं है। मैं एक फरिश्ता हूं। मुझे अपनी दुनिया में जाना है। मैं फरिश्ता एक प्रकाश के शरीर में बैठी हूं। लाइट माइट फैला रही हूं।
मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता एक एक शहर के ऊपर जाकर के सभी मानव जाति को संदेश दे रही हूं। हे मानव जाति, हे मनुष्यात्माएं, जागो। अब ये संसार चक्र पूरा हुआ है। सबको वापिस घर चलना है। चारों ओर सकास फैला रही हूं। वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं एक फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता अव्यक्त वतन में जाती हूं, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है। मैं फरिश्तों के महफिल में जाता हूं। सबसे दृष्टि लेकर के चार्ज होकर के फिर इस धरती पर आकर के चारों ओर शक्तियां फैलाता हूं। ओम शांति। इस तरह से ये पांच स्वरूपों का अभ्यास अनादि स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, ये बीच बीच में इसको तो भी आप संस्कारों को बदल सकेंगे, क्योंकि ये 500 स्वरूपों का अभ्यास करने से सचमुच हम कितने महान हैं, इस संसार चक्र में कितने बड़े हैं, इसका पूरा ज्ञान समाया हुआ इस 500 स्वरूपों में। तो इसका बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे।